सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, जिसके बाद ग्वालियर के एक छात्र ने परीक्षा पर सवाल खड़े किए। उसने पेपर लीक का दावा करते हुए फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सुनिए परीक्षार्थी मदन मोहन दोहरे ने क्या कहा। मैं वर्ग 3 का पेपर देने गया था भोपाल में। मैं पेपर दे के आया तो इस ट्रेन पे मुझे एक भैया जी मिले धौरपुर के, उनके मोबाइल पे जो जैसा ही पेपर आया था पूरा बिल्कुल पेपर 150-150 क्वेश्चन पूरे थे उनके पास। तो मैंने कहा, तो मैंने उनके मोबाइल से फोटो ले ली। वो तो उनने बताया कि ये गैंग चल रहा है पूरा आर एमपी में, भोपाल के कुछ कॉलेज, चुरंदा है, ग्वालियर के भी कॉलेज है, यहाँ जहाँ इस प्रकार का स्कैम चल रहा है। कितने लोग शामिल बताए थे उसमें? शामिल कम तो ये बताया जाए कम तो 1-2 हजार लोगों का अभी तक उनका ये काम करवा दिया गैंग ने। 25 मार्च को मदन भोपाल के रायसेन रोड स्थित बिटिया पीठ स्कूल में MPTET परीक्षा देने गया था। जब वो लौट रहा था तो उसे धौलपुर का एक एजेंट मिला। उसने मोबाइल में पूरा पेपर दिखा दिया, जिसके बाद परीक्षार्थी ने शिकायत की। ब्यूरो रिपोर्ट।